नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष गुप्ता, टाइल रिटेलर नई दिल्ली से। मैंने कुछ वीडियो के माध्यम से पहले आपको टाइल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ टाइल के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, फिर इंडियन टाइल मार्केट के बारे में बताया था। आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको टाइल के कुछ लाइव कंसेप्ट दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये टाइल है मीटर बाय 2 मीटर की। ये बस एक ही सिंगल टाइल लगी हुई है, बड़ी साइज की टाइल है। अब आइए एक टाइल आपको दिखा, 4 फुट टाइल लगी हुई है, ये भी सिंगल टाइल है, 6 फुट बाई 4 फुट, ये ग्रे कलर की मैट टाइल है। इसकी स्ट्रेंथ भी कितनी अच्छी है और प्लस ये देखिए इसकी मोटाई आप यहाँ पे। ये फुल मोटी टाइल है, देखो सर, ये डायल है 5 इंची बाय 32 इंची की। इसके पीछे आपका एरो बना हुआ है, ये एरो एक ही डायरेक्शन में फॉलो होके लगता है। दोस्तों ये देखो, ये मीटर बाय 2 मीटर की टाइल है, जीबीटी की विट्रीफाइड टाइल है ये। ये आइवरी पैटर्न है, क्रीम कलर की टाइल है, इटालियन लुक पैटर्न आता है इस टाइप से टाइल है ये। ये थोड़ा सा धूप पड़ रहा है टाइल के ऊपर। स्टेज की वॉल्स पे 1 फुट बाय 2 फुट का साइज है, ये ग्लेज विट्रीफाइड टाइल है। इनकी डिस्क्रिप्शन में आपको आने वाली वीडियोस में दूंगा, प्राइजेस भी आने वालों वीडियोस में दूंगा, इनमें आपको लाइव ही टाइल दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए, आइए, ये विट्रीफाइड टाइल लगी हुई है स्टेयर्स पे। ये देखो, ये राइजर इसी का लगा हुआ है, स्टेप इसी का लगा हुआ है और वॉल पे कंटिन्यूअसली चल रही है जीबीटी टाइल्स 1 फुट बाय 2 फुट की। स्टेयर्स में टाइल्स लगी हुई है, राइजर भी बेस भी, ये इसकी मोल्डिंग लगा दी है, विट्रीफाइड टाइल है, पॉलिश विट्रीफाइड टाइल, इनको कट करके पीसेस बना के लगा दी है। इस तरह से पूरे स्टेयर्स में ये विट्रीफाइड टाइल्स लग रही है सारी आपकी। टाइल्स लगती आ रही सारे पूरे उसपे, स्टेयर्स की वॉल पे टाइल लगी हुई है, प्लैंक्स वही हॉरिजॉन्टल स्टेयर्स पे प्लैंक्स लगे हुए हैं। और ये आ गया लिफ्ट लॉबी के बाहर, ये लिफ्ट के बाहर भी टाइल लगी हुई है, तटके चारों तरफ हमने टाइल काट के लगा रखी है इसमें। देखिए आप देखो, इस स्टेयर्स की दीवार पे टाइल लगी हुई है, 8/48 टाइल लगी हुई है, प्लैंक्स टाइल्स है, गैप दे रखे हमने स्पेस दे गई। ये पूरे देखो कितना अच्छा गेट है बाहर, ये पूरे दीवार के साथ साथ चल रही है, पूरी स्टेज की दीवार के साथ साथ ये सारी सेम टाइप की लगी है, ब्राउन कलर की मैट फिनिश की, मट कलर टाइप से बहुत अच्छा गेट है बाहर है। ये देखो दोस्तों, ये प्लैंक टाइल लगी हुई है 8/48 की, कदारी टाइप लगी हुई है, स्टेज देकर लगा रखी है, ये किचन के ऊपर स्लैब के ऊपर दे रखी है हमने। सेम टाइप देखो कितना अच्छा गेट है बाहर है इन टाइलों का, किचन के अंदर सारा, और सेम इधर लगी हुई है आपकी टाइल ये सारी वॉल्स पे, किचन की वॉल्स पे। ये स्टोर कम अलमीरा बना रखी है, इसमें टाइल लगी हुई है, ये टाइल काट के लगा दी, इसपे बेस पे टाइल आ गई, ये दीवारों पे टाइल आ गई, ये 12/18 की टाइल है, सेरामिक की टाइल है। ये देखो, ये सारे में टाइल्स आ गई, इधर आगे रॉड टंके हैंगर टंके कपड़े हैंग हो गए हैं, ये सारे में टाइल्स लगी हुई है। इसके फ्लोर पे भी टाइल लगी हुई है, ये 32x32 की टाइल लगी हुई है, विट्रीफाइड टाइल। बालकनी की फ्लोरिंग पे टाइल है, ये देखिए, ये 40/80 की टाइल है, ये जो साइज है ये 40x80 का है और ये इसका हाफ साइज है, ये कटिंग करके लगा रखे हैं हमने, ये एक ही टाइल प्लेस करके लगा रखी है ताकि बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बन रहा है। ये जीबीटी का टाइल है, ये विट्रीफाइड टाइल है। बैक गैलरी में टाइल लगी हुई है, वॉल पे लगी हुई है, फिर फ्लोरिंग पे लगी हुई है और फिर इस वॉल पे भी लगी हुई है। ये कंसेप्ट में टाइल लगी हुई है, ये 1 फुट बाय 2 फुट की टाइल है, विट्रीफाइड टाइल है, और नीचे लगी हुई है आपकी 40/80 की टाइल प्लस साथ में कटिंग करके टाइल लगी हुई है। ये देखो, ये पूरा कंसेप्ट जो है पूरा फ्लोरिंग का कंसेप्ट आ रहा है, थोड़ी धूप पड़ रही थी यहाँ पे आपकी शेडो आ गई है। ये पूरा आपका टाइल ऐसे लगी हुई है, ये पूरी लॉबी में, गैलरी की लॉबी में
अभी देखो ये दीवारों पे टाइल लग रही है पीछे बैक साइड में, इसके आगे सारे बुढ़े में काम हो जाएगा। ये इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि सीपेज ना आए। ये देखो सेम नीचे भी सारा लकड़ी का काम होना है, उससे पहले दीवारों पे टाइल लगाई जा रही है पूरे में। ये देखो पिलर के चारों तरफ टाइल्स लगी है, ये हो गए एक साइड, ये दूसरी साइड होगी पिलर की। कंप्लीट पिलर कवर हो गए, अब हम वापस रोटेट होके सेम उसी जगह पे आ गए। कितना खूबसूरत गेटअप आ रहा है चारों तरफ से पिलर को कवर करके। पार्किंग की दीवार पे टाइल लगी हुई है 6 इंची बाय 24 इंची की, इसको हम 6 इंची बाय 24 इंची का प्लैंक बोलते हैं। ये वर्टिकल शेप में लगी हुई है, इसमें हमने गैप देके ना ग्राउटिंग भर रखी है टाइल्स। देखो दोस्तों ये पार्किंग की दीवार पे टाइल लगी हुई है, ये प्लैंक्स लगे हुए हैं हॉरिजॉन्टल शेप्स में, ये 8 इंची बाय 4 फुट 48 इंची का प्लैंक लगा हुआ है। इसमें हमने स्पेसर देके टाइल लगा रखी है, ब्रिक पैटर्न पे टाइल लगा रखी है। कितनी खूबसूरत टाइल लग रही है, सेम इसी दीवार पे लगी हुई है। ये रूम्स की वॉल के ऊपर टाइल लगी हुई है, ये बेहतरीन से बेहतरीन डिजाइन है, ओनेक्स डिजाइन आता है जो पाकिस्तानी पत्थर आते हैं, सेम उसी कॉपी डिजाइन हुई है। ये बड़े साइज की टाइल है, कटके लगा रखी है। ये पूरी वॉल पे हमने हाईलाइट करा था, ये वॉल को पूरा इस तरीके से। ये टाइल्स लगी हुई है प्लैंक्स, 8 48 का प्लैंक्स लगे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल में लगे हुए हैं सारे ही, इस सेरामिक के प्लैंक्स हैं। ये बेहतरीन डिजाइन है, रेंडम डिजाइन की टाइल्स आती है, इंटरमिक्स टाइल आती है, अलग अलग पैटर्न मिक्स टाइल आती है इसके अंदर से, इस तरह से गेटअप आता है, रेंडम इफेक्ट है। ये देखो दोस्तों ये फ्रंट एलिवेशन की टाइलें लगी हुई है, ये बिल्डिंग के फसेट पे टाइल लगी हुई है, व्हाइट कलर की टाइल है, ब्राउन कलर की टाइल है, बहुत ही अच्छा गेटअप आ रहा है इन टाइलों का। अंदर की वॉल पे टाइलें लगी हुई है, 3264 का साइज है ये टाइल्स का, सेटिंग फिनिश की टाइल है, ये सिंगल एक ही टाइल है, ये 32 इंची बाय 64 इंची इनर वॉल पे लगी हुई टाइल। ये देखो दोस्तों फ्रंट एलिवेशन में डिजाइनर टाइलें लगी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत गेटअप आ रही है। ये 1 फुट बाय 2 फुट की टाइल्स हैं। ये ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स हैं। ये फ्रंट एलिवेशन की टाइलें लगी हुई हैं सारी, फ्रंट पैनलिंग बिल्डिंग के फ्रंट फासेट में, बहुत ही खूबसूरत गेटअप आ रही है इसकी, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो रखी है टाइलें सारी। इधर वॉल पे टाइल लगी हुई है, प्लैंक टाइल्स है, 5 इंची बाय 32 इंची का साइज है ये टाइल का, और ये 80-20 की रेशो में लगा रखी है टाइल, इंटरलैप कर करके ना। ये देखिए कितना अच्छा गेटअप आ रहा है इन टाइलों का, आगे प्लांटेशन करके क्या रियल गुड फिनिश की लोग आ रही है प्लांट्स के साथ। वॉल पे टाइल लगी हुई है गुड फिनिश में, और इसके साथ साथ ही फ्लोरिंग पे टाइल्स आ गई, ये पॉलिश विट्रीफाइड टाइल्स हैं, 32-64 का साइज है, 32 इंची बाय 64 इंची, ये ऐसे पूरे में टाइल लगी हुई है, और ऊपर वॉल पे ब्राउन टाइल आई हुई है, ये जीबीटी की टाइल्स है, विट्रीफाइड टाइल्स। ये देखो दोस्तों ये वॉल को हाईलाइट कर रखा है हमने टाइलों से, इसमें ये आपके प्लैंक टाइल्स हैं, 8 इंची बाय 40 इंची की टाइल है, ये डिजाइनर टाइल्स आती है, इसमें रेंडम पैटर्न होता है, एक ही डब्बे में 5-6 पैटर्न्स आते हैं, 5-6 टाइल्स अलग अलग देखे मिक्स मैच होकर लगता है, ये डिजाइनर टाइल्स की तरह नजर आता है आपको पूरा, ये रूम की पूरी वॉल हाईलाइट होकर रखी है। दोस्तों ये हॉल में टाइल लगी हुई है 1 मीटर बाय 2 मीटर की, पूरा खाली हॉल है, ये जीबीटी की टाइल्स हैं, बड़े साइज की टाइल्स ये पूरे हॉल में इस तरीके से लगी हुई है आपकी। ये गिनती की टाइल्स लगा के पूरा हॉल कवर हो जाता है। इटालियन पैटर्न पे डिजाइन है, ये पॉलिश डिजाइन है, टाइल लगी हुई है 32 की,
ये सतवारी टाइल है, मार्बल की टाइल है, जैसे व्हाइट मार्बल है ना, उसकी ओरिजिनल एप्लीकेंट्स है टाइल्स, ये फ्लोरिंग में लगी हुई टाइल्स, फ्लोरिंग पे टाइल लगी हुई है आपकी, मीटर बाय 2 मीटर की टाइल है, ये डायनेमिक पैटर्न की टाइल लगी हुई है, पॉलिश वाली टाइल, कितना खूबसूरत गेट आ रहे हैं, पूरे फ्लोरिंग पे टाइल लगा। आज जो मैंने आपको टाइल्स के लाइव कॉन्सेप्ट दिखाए हैं सारे, उन सब के साइजेस के बारे में, उनकी क्वालिटीज के बारे में, प्राइजेस के बारे में, थिकनेस के बारे में, उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आगे आने वाली बाकी वीडियोस में आपको बताएंगे। अब आगे की इन्फॉर्मेशन आपको आने वाली वीडियोस में प्रोवाइड कराऊंगा, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।